मणिपुर में पिछले 7 महीने से हिंसा का माहौल बना हुआ है। इस हिंसा में कई लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है, लेकिन फिर भी मणिपुर का माहौल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच मणिपुर को लेकर महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर बड़ा सवाल उठाया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। जनता के बीच नए नए वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर जनता का हाल बेहाल है। पिछले 7 महीने से मणिपुर में हिंसा जारी है, कई दिनों से इंटरनेट बंद है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी से सवाल पूछ रहा है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर मोदी सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। महुआ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी हमें ये बता रही है कि बीजेपी तेलंगाना और राजस्थान को कितना अच्छा और मानवीय बढ़ाएगी। @NarendraModiji मणिपुर के लोगों को ये बताने के लिए रुक सकते हैं कि उन्हें दोबारा कनेक्टिविटी कब मिलेगी। #IndiaWithManipur। आपको बता दें कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। एक तरफ अभी तक उस राज्य में इंटरनेट बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं, और इस बीच मणिपुर में जनता का हाल बेहाल है। DB Live की रिपोर्ट।